आज के लेक्चर इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न और पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उसके लिए वैसे तो हम लास्ट लेक्चर डेफिनेटली इस बारे में बनाएंगे, लेकिन अभी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्टेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, आप कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो लोगों के जरिए, इंट्रोगेशन की क्या टेक्निक्स हैं, और रेड, अब रेड ये जो हम आगे लेक्चर में करके डिस्कस करते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं किसी भी मतलब बंदे से इन्फॉर्मेशन गैदर करना। जाहिर अब आपका कोई ना कोई क्राइम मोमेंट तो हो गया, अब आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ प्रूफ्स चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ मटीरियल चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, उन सब के लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सर या तो आप लोगों से इंटरव्यू करते हैं, आप इंटरोगेशन करते हैं, उसके अलावा आपके पास टेक्निक्स हैं। इंटरव्यू की ज़्यादा बात है, डेफिनेटली ये एक ऐसा मेथड है, द मेथड दैट इज ऑफ कलेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स विच इज नॉन एक्यूजेटरी। इसमें प्रॉपरली आप एग्जाम नहीं किसी पर लगा रहे होते, अब जनरली मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है आप बताएं आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, मे बी कोई इंस्टीट्यूट है जिसके बाहर कोई मतलब धमाका हुआ या कुछ भी हुआ और उसके आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे, अब आप इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं तो आप उनसे प्रॉपर्ली मतलब पूछेंगे, जी आप बताएं आप यहाँ पे कब आए, आपने क्या देखा, आप कितने बजे यहाँ पर आए। हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग हों जो आपको मशकूक लगे, उसके बाद जब आप उन मशकूक लोगों से बात करेंगे तो उससे हम इंट्रोगेशन कहेंगे। लेकिन अभी इस वक्त पहले फेज पे जब हम मतलब धमाका हो गया और काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, हम उन सबसे जनरली बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम एक सिंपल इंटरव्यू कर रहे हैं उन सबका, आप कितने बजे आए, आपने क्या देखा, धमाका कितने बजे हुआ था। फिर मल्टीपल लोगों से पूछेंगे, जी आप बताएं कितने बजे धमाका हुआ, कैसे हुआ, कोई आपको पास खड़ा हुआ नजर आया कि नहीं आया, कोई चीज़ की कि नहीं की, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आप किसी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं, किसी भी बंदे से कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके आसपास जितने भी लोग खड़े होंगे, आप उस जगह पर आप वहाँ पे गए हैं और उनसे आप प्रॉपरली पूछेंगे, सबको इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंट्रोगेशन पे आ जाते हैं, पहले आपने एक नॉर्मली इनफॉर्मल किस्म का एक इंटरव्यू लिया सब लोगों से, उसके बाद आपको पॉसिबली या हो सकता है आपको एक बंदे पे या दो बंदे पे किसी ना किसी किस्म का शक उठा। अब आपको जब किसी पे शक उठा तो ज़रा अब ये जो स्टेप आएगा इसमें इंट्रोगेशन होगी। इंट्रोगेशन क्या होता है, इज द अदर हैंड दैट इज डायरेक्टेड टू सस्पेक्ट नॉलेज ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशिंग। इंटरव्यू और इंट्रोगेशन में अगर हम फर्स्ट की बात करें, सबसे पहली बार मैंने सीखी थी इंटरव्यू नॉन एक्यूजेटरी होता है, इसमें किसी भी पर्सन को एक्यूज नहीं किया जाता, डायरेक्टली नहीं कहते कि तुमने ये काम किया। एक्यूजेटरी में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि यार द पर्सन बीइंग इंटरव्यू इज सब्जेक्टेड टू एक्यूजेशन, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है ऑब्वियसली इनफॉर्मल किस्म की चीज़ होती है, इंट्रोगेशन ऑब्वियसली थोड़ी सी फॉर्मल होती है। इंटरव्यू कहीं भी खड़े खड़े हाँ जी आप बताएंगे और क्या नहीं होता, इंट्रोगेशन एक फॉर्मल प्रोसीजर होगा। इंटरव्यू में क्या होता है, हमारे पास मतलब कोई ना कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शायद हमें मिल जाए, लेकिन ये हम हो सकते हैं ऐसे ही सवाल जवाब करें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। इंट्रोगेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपने रेलिवेंट चीज़ों से रिलेटेड सवाल करते हैं, पर इंटरव्यू का हमारे पास होता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू केस। लेकिन जो इंट्रोगेशन का पर्पज है वो है गिल्ट को इस्टेब्लिश करना। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इंट्रोगेशन की, टेक्निक्स ऑफ इंट्रोगेशन में हमारे पास आ जाता है गुड कॉप बैड कॉप, रेड, आगे से रेड के पॉइंट्स और इसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स। गुड कॉप बैड कॉप जो है ये प्रॉपर टेक्निक है जो कि नॉर्मली बाहर भी यूज़ की जाती है, यहाँ पर भी यूज़ की जाती है। इसमें ना एक साइकोलॉजिकल किस्म की मैनिपुलेशन होती है, एक बुरा बंदा होता है अच्छा बंदा होता है, अच्छा बंदा कहता है मतलब अगर मुझे किसी पे शक है और मेरे सामने क्रिमिनल बैठा हुआ है, मुझे शक है कि इसने क्राइम किया, मैं उसे कहूँगी यार इमोशनली ब्लैकमेल करूँगी, देखो मैं तो बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, वो जो बंदा वो बहुत बुरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो मुझे सच बता दो प्लीज़, मतलब फ्रेंडली होकर आप किसी भी तरीके से बस ठीक है यार मुझे बता दो कुछ नहीं होता। हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसने भी फर्स्ट टाइम क्राइम किया हो या कोई ना कोई ऐसे कोई इसमें गड़बड़ की हो तो वो फिजिकली मैनिपुलेट हो जाए और इसके बाद में आपको वो बता दे कि यार ये बंदा तो वैसे बड़ा इमोशनल हो रहा है, बड़ा मतलब बहुत ही सिंपथी के साथ मुझसे पूछ रहा है, तो खैर मैं इसको बता देता हूँ, कहते यार मैं इतना कर लूँगा, मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह निकाल लूँगा, मैं हेल्प करूँगा, वो बंदा बहुत बुरा है ये वाला, मतलब तुम मुझे बस बता दो बाकी ऐसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। ये वो चीज़ है जो आप किसी को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। प्रोज क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये, बेनिफिट ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक आपको बेसिक क्रिमिनल से शायद मिल जाते हो, ठीक है। ज़्यादातर ये ना मतलब इफेक्टिव प्रोड्यूस हो ही जाती है या नए नए केसेस में तो हो ही जाती है, नए नए क्रिमिनल कुछ आ रहे हैं आजकल, सिंपल है बस आपने बातों से घेरना बंदे को। कॉन्स ऑब्वियसली मोरली सैंक्शनड है, आप किसी की मतलब इमोशंस के साथ खेल रहे हो, उसको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो सकता है कि आपको आंसर मिले या ना मिले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्निक, रेड जो टेक्निक है इसका नाम इसके डिजाइन करने वाले ऑथर के नाम पे दिया गया है, जॉन ई रेड, हु हैज गॉट इट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रेड टेक्निक जिसने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिया है, टेक्निक ऑफ इंटरव्यू एंड इंट्रोगेशन, ठीक है। जो रेड टेक्निक है ये नॉर्मली यूज होती है पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा में,
मतलब क्राइम सीरीज अकॉर्डिंग टू देम मतलब 80% ऑफ क्रिमिनल इस टेक्निक के थ्रू जो है वो उन्हें पता लग जाते हैं या उन्हें कराते हैं। इंग्लैंड ने जो है इस टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इसके जो सिमिलर टेक्निक्स उनके पास हैं उनको उनके कुछ फ्रॉज लगे थे, मतलब कुछ फॉल्स भी नजर आए थे रिलेटेड टू फ्रॉज, इंग्लैंड ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये टेक्निक नॉर्मली यूज है और यूजफुल भी है। आगे जैसे फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे पास आते हैं फैक्चुअल एनालिसिस। ठीक है, फैक्चुअल एनालिसिस में क्या होता है, प्रोविजनल प्रोफाइल ऑफ द ऑफेंडर इज ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अब एक बंदा जिस पर मुझे प्रॉपरली शक है, अब इस शक के बिना पर मैं एक किस्म का एनालिसिस कर लूँगी, अब मैंने एक बंदे की इंट्रोगेशन करनी है और उससे मिलने से पहले मैं एक प्रॉपर किस्म का एनालिसिस कर लेती हूँ, एक एनालिसिस ड्रॉ कर लेती हूँ कि यार इस बंदे की प्रोफाइल क्या है, इससे पहले इसने कभी कोई क्राइम हमें किया या नहीं किया, या फिर इससे पहले कुछ हुआ है, या अब ये बंदा क्या कर रहे हैं, या कितने जगह खड़ा था, जो भी बातें हैं वो सारी की सारी मैं एक एनालिसिस ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, फैक्चुअल एनालिसिस में ऑफिसर जो आपका मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो एक प्रॉपरली टीम एक ड्रॉ करता है, एक एनालिसिस करता है, आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द सस्पेक्ट, ठीक है, यानी कि जो भी क्राइम हुआ उसके बारे में वो हेल्पफुल होते हैं उसके लिए ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। चाहे आप प्रॉपर तैयारी करके जो बैठे हुए तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। उसके अलावा आगे हमारी आती है बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू इसके लिए जो आपका ऑफिसर है उसको प्रॉपरली पहले तैयार होकर बैठना पड़ता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन अवेल करके जो बिहेवियर इंटरव्यू में अब जो हमारा इंट्रोगेशन ऑफिसर था प्रॉपरली वो प्रिपेयर होकर बैठा हुआ है, उसके पास एक उसने ड्रॉ किया हुआ है, एक एनालिसिस ड्रॉ किया हुआ है, उसने जो क्राइम ओमिट हुआ है उससे रिलेटेड या फिर सस्पेक्ट से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉन की है सारी चीज़ें प्रिपेयर है। अब वो जो इसकी सेकेंड स्टेज है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी अब उसे सवाल जवाब करेगा, इंटरव्यू का सेशन है, ठीक है, बिहेवियर होगा, एनालिसिस होगा, नॉन एक्विजिटिव। अभी जो सेशन सारा चल रहा है ये ऑब्वियसली एक नॉन एक्विजिटिव किस्म का सेशन है, ठीक है, इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, आप देख रहे हो उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो किस तरह से बात कर रहा है, वो झिझक रहा है या नहीं, वो किस हद तक आपको लगता है वो सच बोल रहे हैं, किस हद तक वो झूठ बोल रहे हैं। एक प्रॉपर क्लिनिकल नेचर ऑफ इंटरव्यू है, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर स्पेसिफिक बिहेवियर के आंसर करते हो, वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर सिम्टम्स आप देख रहे हो, इधर सपोर्ट हो फिर वर्बल ट्रुथफुलनेस, आप उसमें से पूरे कोई कंक्लूजन आप प्रॉपरली ड्रॉ करते हो और मतलब ज़ाहिर है आपके पास एक प्रॉपर कंक्लूजन कई केसेस में निकल भी आता है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन के हमारे पास जो है ना जो भी एक्यूज्ड पर्सन है जो आपने निकाला है सेकेंड स्टेज, ठीक है, आपने सबसे पहले एक जनरल इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने इंट्रोगेशन की टेक्निक इस्तेमाल की, अब आपने इस सेकंड स्टेप में कोई ना कोई बंदा निकाल ही दिया, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा शक है। अब यहाँ पे आप जो है ना इसका प्रॉपर एक कन्फेशन किस्म का सेशन होगा जिसको आप इंट्रोगेशन कह रहे हो, अकॉर्डिंग टू मतलब जेम्स और नोल्डो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं इंट्रोगेशन के जो मतलब आप फॉलो करते हो। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव इन कन्फ्रंटेशन, ठीक है, अब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो आराम से उसको बता देगा कि यार आप जितने भी आपके बारे में सबूत है ना वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप देख लें आप मुझे बता दें आराम से, ठीक है, बड़ा पॉजिटिव किस्म का वो आपसे बिहेवियर करेगा, और हो सकता है कि वो बता भी दे जिसने कोई ना कोई क्राइम ओमिट किया होगा, हाँ यार मैंने किया था, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा चलता नहीं है। आगे मीन्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन के बाद अब आगे हमारे पास आ जाता है मतलब ना एक थीम डेवलपमेंट होती है, इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो प्रॉपर आपकी मोरल जस्टिफिकेशन बताता है यार इस ऑफेंस का क्या सीन है, इतना मतलब ये बुरा काम है, ठीक है, मोरल ब्लेम कर सकते हैं, किसी और को ब्लेम कर सकते हैं, समवन एल्स और आउटसाइड द सर्कमस्टेंसेस, द इन्वेस्टिगेटर प्रेजेंट द थीम इन अ मोनोलॉग और सिंपैथेटिक मैनर, वो सिंपैथेटिक भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर है ऑब्वियसली वो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आंसर करेगा, वो आपसे इंफॉर्मेशन करेगा, वो आपको देखेगा, वो आपसे बातचीत करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा इन ऑर्डर टू चेक दैट मतलब कि आपने ये जो किया या नहीं किया, ठीक है, उसके बाद वो डिनाइज को उसने हैंडल करना, जो भी मतलब बंदा है वो परमिशन लेगा कि यार मैं बोलूँ मतलब आप जो मेरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे स्टेज पे आपको डिनाई करना होगा इन्वेस्टिगेटर को, पर डिस्करेज करना होगा उसको ऐसा करने से, क्योंकि इनके कुछ जो होते हैं ठीक है वो तो इनोसेंट होते हैं और कुछ नहीं भी होते, जो मतलब अब इन दोनों के बीच में उसको देखना चाहिए, जहर बंदा अभी उसमें सफाई में कुछ ना कुछ कहेगा, समटाइम उसको अलाउ कर भी देना चाहिए, लेकिन उसको डिनाइज को हैंडल करना आना चाहिए इंट्रोगेशन ऑफिसर को, ऑब्जेक्शन को ओवरकम भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हो सकता है कि मीन्स अब जो आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है हो सकता है वो कहे कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, आई वुड नेवर डू दिस बिकॉज आई लव माई जॉब, तो इन्वेस्टिगेटर को जनरली कहना चाहिए ठीक है आगे चलें, इट्स ओके, उसको इस तरह शो नहीं कराने कि नहीं आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि नहीं ये क्राइम तुम नहीं किए, तुम ये मानो तुम नहीं किया ऐसा काम, ऐसा नहीं होगा, आप उसको कहेंगे ठीक है इट्स ओके चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ऐसा हो सकता है कि मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर उसके बाद कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दे,
जो है उसका सस्पेक्ट का जो है ना पैसिव मूड उसको हैंडल करना आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को पता होना चाहिए कि यार ये कुछ ना कुछ जस्टिफाई करेगा मुझे किस तरीके से सिंपैथेटिक मैनर में बात कर रही है ताकि ये कुछ ना कुछ सच तो मुझे बताए। उसको अल्टरनेटिव क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, क्या तुमने प्लान किया हुआ था, यही पहले हुआ, यही अचानक से हो गया, तुम्हारी गलती नहीं थी इसमें, मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब ये चीज इनकरेज कर सकती है सस्पेक्ट को टू चूज द मोर अंडरस्टैंडेबल साइड ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि आप उसको खुद अल्टरनेटिव दे रही है, तुमने ये किया तो तुमने ये किया, हो सकता है कि ऐसे ना हुआ, हो सकता है कि प्लान ना हो, सकता है इसके पीछे कोई और बात है, ठीक है। उसके अलावा आपको सस्पेक्ट को ऑरली रिलेट वेरियस डिटेल्स ऑफ ऑफेंस मतलब बतानी चाहिए आपको उसे, हो सकता है सस्पेक्ट ने अब एक अल्टरनेटिव कर लिया, हाँ ये नहीं हुआ था ये हुआ था एक्चुअली मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन अचानक हो गया, थोड़ा उसको इंट्रोगेशन ऑफिसर को चाहिए कि वो उसे रिस्पॉन्ड करें, बताए उसे एक्नॉलेज करें, मतलब देखे नहीं यार इससे क्या बात हुई है, इसने क्या मुझसे बात निकाली है, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें उसे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फिर नॉर्मली वो ब्रेन स्टॉर्मिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि या तो वो अपना मतलब कन्फेशन कर ले, या फिर हो सकता है वो ना करे, या फिर ये पास हो जाए या फेल हो जाए, कि अब मैरिट्स और डीमेरिट्स की अगर हम बात करें या प्रोस और कॉन्स की बात करें तो इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इफेक्टिव है अक्सर, प्रॉपर इसका एक मेथड है जो फॉलो किया जा रहा है, रेड कॉर्पोरेशन ने इसको कहा है ये 80% के अराउंड जो है ना प्रॉपर्टी मतलब अच्छी टेक्निक है, कॉन्स है ना मोरली सैंक्शन नहीं है, आप प्रॉपर्टी के आरोप बैठे हैं, एक बंदे के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसके माइंड से खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी उसे आप ट्रेन कर रहे हैं, आप उसे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, सस्पेक्ट मे बी अवेयर ऑफ सच, हो सकता है कि यार वो जिस बंदे से आप लगे हैं एक घंटे से सवाल जवाब कर रहे हैं उसको सारी चीज़ों का पता हो, वो कोई मतलब हैबिचुअल क्रिमिनल है, उसे पहले से पता है, फॉल्स कन्फेशन हो सकती है, पॉसिबली कि वो आपसे पता होगा जिसके उसमें उसे कहते हैं हाँ मैंने किया और वहीं पर आपके बस एक मतलब खत्म हो गया। इसके बाद आज हम लास्ट टेक्निक जो अपनी आज के लेक्चर की डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीज टेक्निक, टीज टेक्निक भी मतलब इस तरह से सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ क्योंकि हर लेटर की एक एब्रिविएशन है, टी से प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो पहले से प्रिपेयर होकर बैठा होगा, वो प्लान उसको पता होगा कि उसने क्या क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या बातें पूछनी है, क्या सवाल जवाब करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसे पहले से पता होगा। स्टेप टू हमारे पास है एंगेज एंड एक्सप्लेन, यानी कि सस्पेक्ट शुड बी कॉल्ड अपॉन एंड एक्सप्लेन द पर्पस एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरोगेशन प्रोसेस, हो सकता है उसे प्यार से बताएं जी हाँ आपके बारे में हमारे पास पर हमें आप एक शक है और आपने ये काम किया और आप ऐसे कर रहे हैं मतलब आराम से, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान में जो है कोई तरीका नहीं करते, यहाँ दो डंडे मारो खुद बोलने का तरीका क्यों दे रहे हो, आगे वो क्रिमिनल है अगला बाबू तीन से दे रहे हो। सेक्शन थ्री सॉरी स्टेप थ्री अकाउंट क्लैरिफाई एंड चैलेंजेस टू रिस्पॉन्ड शुड बी अ प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, ठीक है ऐसा हो सकता है कि मतलब जो आपके साथ बंदा बैठा है या तो वो क्रिमिनल है या तो वो नहीं है, ठीक है तो आपको क्लैरिफाई करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए चैलेंजेस को, आप एक्सेप्ट करें, आप चीज़ों को देखें और करें, अपनी इंट्रोगेशन प्रॉपर प्रिपेयर मैनर्स के ऊपर करें। स्टेप फोर क्लोजर, दिस प्रोसेस शुड बी प्रॉपरली क्लोज्ड विच इम्प्लाइज दैट एनी मिसिंग लिंक शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड, आपको प्रॉपरली लिंक्स जनरेट करने पड़ते हैं, कोई भी लिंक ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिसिंग हो, मीन्स 10 से 11 के बीच में, यहाँ से 11 से 12 आपका है, आप डेट 12 से 1 में पहुँच जाते हैं, हो सकता है 11 से 12 के बीच में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपको कोई सबूत दे सके या कोई प्रॉपरली बात हुई, एंड भी आप सारा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, फीस तक एक हो गई, अब आप जो है इसको एवेल्यूएट करेंगे, रिव्यू निकालेंगे, कोई एनालिसिस करेंगे, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, आपकी पूरी प्रोसीजर का, आपकी पूरे सवाल जवाब का, आपकी पूरी मतलब इस टेक्निक का क्या कंक्लूजन निकलता है, या तो आपको बंदा मिला या तो आपको बंदा नहीं मिला। इसके जो कुछ प्रॉज हैं, मोरली जो है ये सैंक्शन और ऑब्वियसली आप इमोशंस के साथ ही सारे काम करें, जितने भी इंट्रोगेशन है जिसमें आप इमोशनली भी खेल रहे हैं, सवाल जवाब भी कर रहे हैं, हो सकता है बंदा डर भी जाए, आपको बिहेवियर को कहीं लगे कि आप उसे फोर्सफुली कह रहे हैं, ठीक है। इसमें यह होता है कि इसमें फ़ायदा यह है कि आप सस्पेक्ट से आराम आराम से सवाल करें, क्योंकि आप उसको क्लैरिफाई और चैलेंजिंग वाली जो मैंने आपसे बात कही है आप उसे मौका देते हैं कि ठीक है तुम अपना व्यू बताओ। यूजफुल इन कंजक्शन विद अदर टेक्निक्स, ऑब्वियसली अदर टेक्निक्स के साथ यूज़ होता ही है, ठीक है, मतलब इसका जो नुकसान है कि जो पक्के मुजरिम है ना उनके केसेस में तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है, आप इतने प्यार से जैसे सवाल जवाब करो कहाँ सवाल को बताएंगे, वो ऑब्वियसली इसमें यूज हुआ होगा, ठीक है। सस्पेक्ट मे बी अवेयर ऑफ द मॉडल नॉट प्रूव वेरी इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड इन आइसोलेशन, ऐसा माना जा सकता है कि आइसोलेशन में इतना इफेक्टिव मॉडल नहीं है। बाकी जो हमारे पास सेक्शन 3 की चीज़ें हम अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।